जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज किस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। और दोस्तों, ये न्यू बैच है जो कि कल ही स्टार्ट हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। और आप लोग क्लास टाइमिंग को ज़रूर नोट कर लें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर डी मुंबई? चलिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, सिंह सभा की स्थापना जो है ये पंजाब में किया गया था, पंजाब के अमृतसर में। कब? तो 1873 में, ध्यान रखेंगे 1873 में पंजाब के अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250, दोनों याद रखना है, मैक्सिमम पूछे 250 और वर्तमान में 245 है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 550। फिर से रिपीट कर देते हैं, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है और मैक्सिमम हो सकते हैं 550। आगे देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अप किए हैं। चलिए आंसर कीजिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और इस उद्यान में किस जानवर का संरक्षण हो रहा है, तो याद रखिएगा कश्मीरी हिरण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गेंडा की बात करें, यानी एक सिंह वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सिंह वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है, तो असम राज्य में स्थित है। असम में और एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा, ये दोनों असम में स्थित है। आगे देखिए, सिद्धवी का पूरा नाम क्या है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, सिद्धवी का पूरा नाम क्या है? तो यहां पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है और इसका हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है, तो लखनऊ में सिडबी का हेड क्वार्टर है। आगे देखिए, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये ऑक्सिन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन और एब्सेसी कम्ल, ये सभी क्या है, तो ये सभी पादप हार्मोन है। और आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में से इनमें से कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन है, तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन, इस तरह से होगा ऑक्सिन, ऑक्सिन, ये क्या है, तो ये पौधों में एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है। और देखिए, सी ऑप्शन में है साइटोसिन,
तो इसे भी ध्यान रखिएगा, यह जो है पादपों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, साइटोसिन हार्मोन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? चलिए छः के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग सदैव अनुप्रस्थ तरंग होती है और इन तरंगों की जो चाल होती है प्रकाश के चाल की बराबर होती है, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, गामा किरण, एक्स किरण, यूवी रेज, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, ये सभी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे क्या होगा? ध्वनि तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और हमने आपको ये भी बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है सदैव क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन ध्वनि तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया था ध्वनि तरंग क्या है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? चलिए सात के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सूची वन को सूची टू से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सूची वन और सूची टू, तो सूची वन में क्या है? तो सूची वन में ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, जैसे कुंभा, परुष्णी, सदानीरा, शतुद्री। और सूची टू में क्या है? तो ये आधुनिक नाम है नदियों के, तो आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कुंभा, कुंभा नदी का भी आधुनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा काबुल, तो यानी कि ए का हो जाएगा आपका दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। परुष्णी, तो ऑप्शन बी जो है परुष्णी, इसका अभी आधुनिक नाम क्या है? तो रावी, तो यानी कि बी का हो जाएगा आपका रावी, देखिए तीन में है, तो बी का हो जाएगा तीन। सदानीरा का हो जाएगा गंडक, देखिए गंडक ऑप्शन ए में है, तो सी ऑप्शन का हो जाएगा एक नंबर। अब डी बचा सतलुज, तो ये होगा सतलज, यानी कि डी का चार। तो देख सकते हैं दो तीन एक चार, देखते हैं किसमें है, दो तीन एक चार, देखिए किसमें है, दो तीन एक चार, यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन में है, दो तीन एक चार, यानी ए का दो, बी का तीन, सी का एक और डी का चार। तो हमारा आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, पालघाट की बात करें तो ये केरल में है, ये बिल्कुल सही है। भोरघाट महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। लिपु लेक उत्तराखंड में है, ये भी सही है। शिवकिला बिहार में नहीं है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन जो हमारा है ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और सेशन को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या होगा? बिग बैंग थ्योरी ये किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में इस बार बहुत ही तगड़ी भर्ती है, लगभग 21,000 प्लस के आसपास नई भर्ती आ रही है। तो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए
और अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। और इस बार आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास को भी स्टार्ट किया जाएगा, टॉपिक वाइज थ्योरी का क्लास होगा, बहुत ही बम्पर भर्ती है। और इस बार आप लोगों को एक सीट कंफर्म करना है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए और डेली क्लास के नोट्स तैयार कीजिए जो हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे, कौन सा ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में है? तो देखिए, ये है हमारा सन, तो सन के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बुध, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी, तो ये सन और ये है हमारा अर्थ। तो देखिए, बुध और शुक्र यानी सूर्य और अर्थ के बाद आता है, बीच में आता है बुध और शुक्र। तो देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बुध और शुक्र। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ये ज्ञानीमीड है। सभी को नोट करेंगे, ज्ञानीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कौन किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व के देशों के पुराने नाम और वर्तमान नाम के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, ये देशों के वर्तमान नाम है और ये पुराना नाम दिया हुआ है, तो कौन सा नाम है जो सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, यह बिल्कुल सही है। थाईलैंड की बात करें तो इसका पुराना नाम श्याम था, यह भी सही है। ताइवान का फार्मोसा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, इथियोपिया, तो इथियोपिया का पुराना नाम यहाँ क्या दिया गया है, सेलिसबरी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेलिसबरी जो है ये जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का पुराना नाम है, ना कि इथियोपिया। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सुमेलित नहीं है। और दोस्तों, आज रात 9 बजे से ही बिहार दरोगा के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं आप लोग भी उस क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार दरोगा का भी क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए। आगे देखिए, झंडा गीत किसने लिखा है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए, झंडा गीत किसने लिखा है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक है? तो यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा SN रॉय। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अकबर की विजय और संबंधित वर्ष के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए, अकबर का जो काबुल विजय है ये दिया गया है 1581 में, तो ये जो है ये सही है। गुजरात विजय की बात करें तो 1550 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुजरात विजय यहाँ पे 1571 होगा, ना कि 1550। तो बी ऑप्शन जो है यही सुमेलित नहीं है। बाकी सिंध विजय 1590 सही है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से
किस एक से लॉटरी समिति जिसका गठन हुआ था 1817 में संबंधित थी? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, लॉटरी समिति किससे संबंधित थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शहरी नियोजन से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, शहरी नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य बटलर कमेटी जिसका गठन हुआ था 1927 में से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 18 का, भारत सरकार तथा देसी रियासतों के मध्य संबंध सुधारना, ये संबंधित है बटलर कमेटी, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, इन्होंने 1920 में अपना नाम क्या कर लिया था? तो स्वराज सभा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में होम रूल लीग की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए 20 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। देखिए बिहार में पूछा जा सकता है होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 16 दिसंबर, पूरा डेट नोट कर लीजिए, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा मौलाना मजहरुल हक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। और आज आप लोगों को प्रश्न देखकर लग रहा होगा थोड़ा सा अप किए हैं, तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या होगा? गंडक नदी। भारत एवं नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी है ये गंडक नदी है। कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, ये गंगा नदी की कुल लंबाई है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल शासक धर्मपाल, ध्यान रखेंगे। और इसके अवशेष जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, ये वर्तमान में बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा भागलपुर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है भागलपुर। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है 1/3। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्नों को बताते हैं, याद रखिए। तो सबसे पहले इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को पूछा जाता है, याद रखिएगा 14 अप्रैल को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चैत्रा भूमि, याद रखेंगे क्या है? चैत्रा भूमि, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है। और ये संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक
सराय का निर्माण कराया गया? तो यहां पर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, जहांगीर के काल में। आगे देखिए, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस। मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है, यानी वृक्क तंत्र जो है ये किसके लिए है उत्तरदायी? तो ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िए, फिर आंसर बताइए, पोषण के लिए होगा, परिवहन के लिए होगा, श्वसन के लिए होगा, या फिर डी, उत्सर्जन के लिए होगा। तो बहुत ही आसान है, वृक्क तंत्र जो है ये उत्सर्जन तंत्र के लिए है, यानी उत्सर्जन के लिए। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? और देखिए, आज आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा, ये है भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित है? तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें, पंचायत के बारे में भाग 9 में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। नगर पालिका की बात करें तो भाग 9 के क में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, ये भी सही है। लेकिन अधिकरण जो है ये भाग 10 में नहीं, ये भाग 14 में है, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे बताना है आपको विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। तो विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है वो 60 होती है, और मैक्सिमम 500। हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2, और इसका इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए, प्रोटीन की बात करें तो सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में, और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वासियोरकर, याद रखिएगा, क्वासियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 32 का पेप्सिन, ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पेप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, पेप्सिन एंजाइम। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, किसमें पाया जाता है? तो चलिए सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिए और आप लोग नोट भी करते जाइए। तो देखिए, सबसे पहले त्रिकोष्ठीय हृदय जो है ये उभयचरों में पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पे स्तनधारियों की बात करें और पक्षियों में, तो इनमें पाई जाती है 4 कोष्ठीय, याद रखेंगे, और मछलियों में 2। तो सभी को फिर से रिपीट कर देते हैं, उभयचरों में 3 त्रिकोष्ठीय, मछलियों में 2, और स्तनधारी और पक्षियों में 4, ध्यान रखेंगे। मौद्रिक नीति है,
चलिए आंसर कीजिए 34 के लिए मौद्रिक नीति क्या है। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश तीन देशों में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ लेवल का है, चलिए इसको मैप से समझते हैं। तो ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, तो चलिए खोजते पश्चिम बंगाल मैप में। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैप में ये है वेस्ट बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा जो है यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ साझा करती है, नेपाल के साथ भी यहाँ पे देख सकते हैं ये सीमा है, और भूटान देश के साथ भी साझा करती है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल तो होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन देशों में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो पश्चिम बंगाल तो तीन देशों के साथ सीमा साझा करती है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे पहले चीन, फिर देख सकते हैं नीचे इधर भूटान है, फिर साइड में क्या है देखिए यहाँ पे म्यांमार। तो ये भी तीन देशों के साथ सीमा साझा करती है। ऑप्शन सी में है सिक्किम एवं लद्दाख। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम यहाँ पर है छोटा सा। तो सिक्किम की सीमा देखिए नेपाल, भूटान, ऊपर चाइना, तो ये भी तीन। और लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लद्दाख है, तो लद्दाख भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर चाइना, तो ये भी तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब ऑप्शन डी में क्या बच गया, मिजोरम। तो देखिए मिजोरम यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है पिंक वाली, ये है मिजोरम। तो मिजोरम की सीमा जो है ये दो देशों के साथ साझा कर रही है, एक तो म्यांमार हो गया और दूसरा इधर देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश। तो दो देशों के साथ सीमा साझा करती है मिजोरम। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम ये दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, बाकी ये सभी जो है तीन देशों के साथ। आगे देखिए निम्न में किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आगे देखिए भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है। तो यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। और लूनी नदी जो है ये कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है। निम्न में पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, यमन, पुदुचेरी, क्राइकल या फिर डी माहे। ये सभी देखिए पुदुचेरी के जिले हैं, लेकिन इसमें से कौन सा जिला है जो केरल राज्य में स्थित है, तो ये है माहे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम 10 के वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए अगर बिहार की बात की जाए बिहार में लिंगानुपात कितनी है, तो 918, ये बिहार का लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935, ये बिहार में है। लेकिन यहाँ पे बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो ये है मुंगेर, याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा पूछे तो गोपालगंज का है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए। चलिए 41 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत पर होने चाहिए, तो याद रखिएगा 33.33% पर। और भारत में अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज के हिसाब से पूछे कि प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मिजोरम में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है। चलिए 42 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे।
क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो याद रखिएगा, केरल हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना पूछा जाता है 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे पुराना हाईकोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाईकोर्ट भारत में सबसे पुराना हाईकोर्ट है, और सबसे नया कौन सा बना है तो अमरावती हाईकोर्ट, ध्यान रखेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ पे किसने होगा, यानी कि 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ कहाँ पर, तो याद रखिएगा फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा, इसे भी नोट करेंगे, फिजी की राजधानी सुवा है। तो इसमें बताना है भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो डॉक्टर एस जयशंकर। ये कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री है, याद रखेंगे। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अब देखिए तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया, तुर्की है, इसे भी याद रखेंगे, तुर्की। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, याद रखेंगे ऑपरेशन दोस्त, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान विश्व में कौन सा है, यानी भारत का स्थान जो है विश्व में कौन सा है दूध उत्पादन में, तो याद रखिएगा पहला, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहला। आगे देखिए परिधि शब्द का समानार्थी क्या है, तो देखिए हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि, और क्या बोलते हैं वर्ग का, परिधि थोड़ी बोलते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिमिति, ये सभी समानार्थी है। तो परिधि का समानार्थी क्या हो गया, परिमाप, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने, चलिए 47 के लिए आंसर बताएंगे, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है, तो मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, और देखिए ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा मदनिश सिपाही की परीक्षा में हिंदी व्याकरण से उतना टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी जायसी, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सूर सागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सूरदास, बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।